देख रहे हैं अलवर न्यूज, आपके साथ मैं हूं हेमा चनवेचा। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर कैंट्रा और ट्रेलर की हुई भिड़ंत, महिला की हुई मौत, दूसरा हुआ घायल। डिप्टी सीएमएचओ कार्यालय की छत का भार भराकर गिरा प्लास्टर, नहीं हुई कोई क्षति। आयोजकों ने शिव महापुराण कथा करवाकर लाखों के राजस्व की चोरी, नगर परिषद को राजस्व का लगाया चूना। नर्सेस का अनिश्चितकालीन धरना, चौथे दिन भी रहा जारी, धरना स्थल पर पहुंचे पीएमओ। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत आज टपुकड़ा मंडल के ग्राम लाड़मका से की गई। इसके पश्चात महेश्वरा, ततारपुर, हाउसिंगपुर, बुरेहेड़ा, जोड़िया मेव, सारे कला, इंदौर, खोहरी खुर्द तथा कृष्ण सिटी सोसाइटी टपुकड़ा में ये यात्रा निकाली गई। कृष्ण सिटी में घर घर जाकर पत्रक वितरण कार्यक्रम किया गया और कांग्रेस सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार, कुशासन, महिला उत्पीड़न, पेपर लीक सहित अन्य विफलताओं के बारे में लोगों को बताया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री हर्ष यादव, विधानसभा संयोजक विक्रम यादव, मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, विस्तारक दिनेश जोशी, राजपाल यादव, विजय यादव, अमित यादव, रण सिंह पोस्टवाल, मास्टर मंगतू राम सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस थाना शेखपुर अहीर ने ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरदयाल सिंह ने बताया कि प्रेम बहादुर सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तेजारा के सुपरविजन में थाना शेखपुर अहीर की गठित की गई टीम ने साइबर ठगी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कल ऑनलाइन ठगी की राशि को कमीशन पर फर्जी बैंक अकाउंट से निकालने वाली गैंग के मुख्य सरगना मनीष खान के अहम सहयोगी वनीष खान निवासी शेखपुर अहीर को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना शेखपुर अहीर ने डकैती के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 माह से फरार चल रहा था, जिस पर 2000 का इनाम घोषित था। थाना प्रभारी हरदयाल सिंह ने बताया कि एसपी विकास कुमार शर्मा के आदेशानुसार दिलीप कुमार सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व प्रेम बहादुर सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना शेखपुर अहीर के नेतृत्व में संपत्ति संबंधी अपराधों में फरार वांछित प्रीतम सिंह पुत्र बच्चन सिंह निवासी कोल गांव को आम सूचना पर गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करवाने में विशेष भूमिका महबूब कांस्टेबल और कांस्टेबल लोकेश कुमार की रही। रेलवे ने जनरल डिब्बे के यात्रियों के लिए रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। इसके तहत 20 रुपए में 7 पूड़ी व सब्जी दी जाएंगी। यह सेवा देश के 64 स्टेशनों पर शुरू की गई है। योजना के तहत रेलवे की ओर से स्टेशनों पर जनरल डिब्बे के सामने ही रियायती दर पर भोजन के काउंटर लगाए जा रहे हैं। इकोनॉमी मील में 20 रुपए जिसमें 7 पूड़ी, आलू की सब्जी और अचार मिलेगा। स्नैक मील 50 रुपए में राजमा चावल, खिचड़ी, कुलचे छोले, छोले भटूरे, पाव भाजी और मसाला ढोसे में से कुछ भी ले सकते हैं। राजस्थान के फुलेरा, अजमेर, आबू रोड, नागौर, जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर व चित्तौड़गढ़ में यह सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। राजस्थान स्टेट स्काउट एंड गाइड फेलोशिप अलवर जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप स्टेट कार्यकारी अध्यक्ष हरीश कालरा के जन्म दिवस पर विजन संस्थान द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क फूड बॉक्स अभियान में भाग लेकर जरूरतमंद आम जनों को भोजन करवाया। भोजन के साथ ही उन्हें बिस्कुट के पैकेट भी दिए गए। इस अवसर पर विजन संस्थान द्वारा मिल्क केक काटकर हरीश कालरा का जन्मदिन मनाया और उन्हें आज के भोजन के सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। विजन संस्थान जन सहयोग से प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन भरपेट उपलब्ध करवाती है। कार्यक्रम में अलवर जिला इकाई अध्यक्ष राजेश भट्ट, सचिव राम प्रकाश गुप्ता, हरीश कालरा, श्रीमती आशा कालरा, गिरीश गुप्ता, राजेंद्र अरोड़ा, तारा चंद अग्रवाल, मधुसूदन शर्मा, सुरेश अवस्थी, श्रीमती प्रमिला गुप्ता आदि ने सहयोग किया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा।
अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा स्थित कंपनी याचियो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ताकाशी सिमीचू ने शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय कारोले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की तथा अस्पताल के पार्क में पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि अस्पताल में किसी भी उपकरण या फर्नीचर की आवश्यकता होगी तो उसे कंपनी के सहयोग से अस्पताल को दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने कंपनी के एमडी का आभार प्रकट करते हुए अस्पताल की जरूरतों के बारे में उन्हें अवगत करवाया। इस अवसर पर चिकित्सा कर्मी व कंपनी के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। पौधे पर पौधा लगाने वाले व्यक्ति का परिचय बोर्ड भी लगाया गया जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके। भाजपा युवा नेता जय आहूजा ने श्री रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मंगलेश्वरपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी के अभियान नहीं सहेगा राजस्थान को लेकर विधानसभा के शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र सह संयोजक, बूथ अध्यक्ष और भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित ग्रामवासी लोगों के साथ बैठक की। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के राज में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत कर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विचार विमर्श किया और आगामी 1 अगस्त को भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर में होने वाले आंदोलन में चलने के लिए आह्वान किया। इस दौरान युवा नेता जय आहूजा का ग्रामवासियों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान श्री रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, बूथ अध्यक्ष मूलचंद, नरेंद्र सिंह, अमर सिंह, भगत, मूल सिंह, रेशम सिंह, लाल सिंह, सुखलाल, गिरिराज भलाई, गंगूराम, श्री हितेश शर्मा, हनी, अंकित, शिवम शर्मा, ब्रजेश खटीक, हरिओम चौधरी उपस्थित रहे। अलवर के दशहरा मैदान में हाल ही में ख्यातिमान प्रदीप मिश्रा के मुख से संपन्न हुई 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के साथ ही कथा आयोजकों पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। आरोप है कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा के मुख से 7 दिवसीय कथा से अलवर शहर भक्ति में अवश्य हो गया और कतिपय जनता के आचरण या फिर विचारों में कुछ बदलाव भी आया, लेकिन इसी दौरान कथा की आड़ में आयोजकों ने नगर परिषद को तगड़ा राजस्व का चूना लगाया। एक तरफ शहर भक्तिमय हो रहा था, दूसरी तरफ आयोजक कथा को अपने जीवन में उतारने के बजाय बेअसर कर कथा की आड़ में राजस्व की लगातार चोरी करते रहे। कथा आयोजकों ने नगर परिषद से होर्डिंग बैनर लगाने की अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के ही शहर में जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगा दिए, जिससे नगर परिषद को हजारों का राजस्व का चूना लगा है। इसी प्रकार नगर परिषद प्रशासन से शहर के सिर्फ 30 सरकारी पोल पर पोल कियोस्क लगाने की अनुमति ली और शुल्क भी जमा करवाया, लेकिन शहर के अमूमन सभी खम्भों पर पोल कियोस्क लगा दिए, जिससे नगर परिषद को लाखों का राजस्व का नुकसान हुआ है। शहर के अनेक प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन के गेट लगाए, कथा स्थल पर सरकारी शौचालय निःशुल्क 7 दिन खड़े रहे, साथ ही दिन अग्निशमन की गाड़ियां भी खड़ी रही जिसका स्टॉप भी मौजूद रहा। आयोजकों की चोरी से नगर परिषद को लाखों का राजस्व का चूना लगाने का आंकलन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आयोजकों की कथा स्थल के दौरान समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण एक युवक के बिजली का करंट लग गया। दूसरी तरफ गर्मी उमस से अनेक कथा सुनने वाले बेहोश होते रहे। यूपी से कथा सुनने आया एक व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसके कारण व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के आज तक बहते आंसू नहीं थम पा रहे हैं। बहरहाल शहर की जनता की जुबान पर चर्चा ये गरम है कि कथा आयोजकों ने चोरी कर यह साबित कर दिया कि आयोजकों ने कथा का सार जीवन में अपनाने की बजाय कथा की आड़ में नगर परिषद को लाखों का राजस्व नुकसान पहुंचाकर यह साबित कर दिया कि उनको कथा का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बुलाकर कथा स्थल को राजनीतिक मंच बनाकर अपनी टिकट पक्की कर सिर्फ अपनी जेब गर्म करनी थी।
राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति अलवर के की तरफ से प्रदेश व्यापी आह्वान पर नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। आज प्रातः 10 बजे ओम प्रकाश महिवाल, प्रिंसिपल दिनेश चावला ने विधिवत रूप से 8 सदस्य राजेश कोचर, अनिल शर्मा, मंजीत यादव, कृष्णकांत शर्मा, हितेश साहू, महेश यादव, गुंटर सिंह और रवि मीना को धरने पर बैठाया। संघर्ष समिति सदस्य शशिपाल यादव व राकेश नधेड़िया ने बताया कि आज धरने पर संविदा कार्मिकों के द्वारा किया गया। आज धरना स्थल पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने पहुंचकर धरणार्थियों की कुशल क्षेम करते हुए सरकार से जल्द निराकरण की मांग की है। जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव व संघर्ष समिति सदस्य देवकी नंदन मीना का कहना है कि 22 जुलाई को सकारात्मक ऊर्जा के संचार व जल्द निराकरण आराधना के लिए दोपहर 12 बजे हनुमान चालीसा का जाप किया जाएगा। आज धरने में रीटा रोज, सुभाष शर्मा, विनोद शर्मा, छोटेलाल मीना, अनिल सुरेला, दिनेश चावला, गौरीशंकर गुप्ता, राहुल यादव, सुरेंद्र रंग, दिलीप यादव, बबीता सेन, रमेश चाट, रमेश शर्मा, राजकुमार सोनी, रचना चौधरी, रमेश गुप्ता, मुकेश शर्मा, दिनेश सैनी, सुमन गुप्ता, सुखपाल वर्मा, सियाराम मीना, शिवराम मीना, गजेंद्र, मुकेंद्र, मनीष शर्मा, विष्णु शर्मा, योगेश यादव, राजेश गुप्ता, महेश शर्मा सहित सैकड़ों नर्सेज उपस्थित रहे। भिवाड़ी में बीते दिन एक निजी होटल में इनर व्हील क्लब द्वारा प्रथम आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व विभिन्न विषयों पर अपनी राय व सहमति प्रकट करते हुए क्लब को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहमति दी। वहीं क्लब द्वारा आने वाली इंस्टॉलेशन सेरेमनी की तैयारियों के विषय में व आगे करने वाले प्रोजेक्ट की रूपरेखा, एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव किया गया व एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में मणि मित्तल, ज्योति कपूर, मीना गोयल, ज्योति नकड़ा, अरुणा यादव, कामिनी सिंघल, सुमित्रा यादव व उषा गुलाटी व क्लब की नई पोस्ट ई एडमिन के लिए कामना भारद्वाज व बर्थडे सेक्रेटरी के लिए सुमन अग्रवाल को पदभार सौंपा गया। क्लब की सदस्य ने शुरुआत में पंचोल्टी व क्लब सेक्रेटरी द्वारा खिलाई गई गेम्स में ममता अग्रवाल व मीना गोयल, संध्या अग्रवाल, सुमन मित्तल और ममता गुप्ता ने बाजी मारी। मीटिंग में अन्य मेंबर्स शशि तायल, श्वेता जैन, लिली पालीवाल, सुमन वासुदेव, संध्या अग्रवाल, विम्मी कालरा, मीनाक्षी शर्मा, सुनीता सोनी, बरखा झलानी, निधि माथुर व अध्यक्ष निधि गोयल के साथ सेक्रेटरी माधुरी गुप्ता ने भी उपस्थिति दी। सीएमएचओ कार्यालय अलवर स्थित परिवार कल्याण के डिप्टी सीएमएचओ ऑफिस की ऊपर छत से आज भर भराकर प्लास्टर नीचे गिर गया और अचानक तेज धमाका होने पर विभाग के कर्मचारी एकत्रित हो गए, लेकिन गनीमत ये रही कि बैठे परिवार कल्याण के डिप्टी सीएमएचओ के मीना बाल बाल बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि सीएमएचओ कार्यालय जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जर्जर हालत में है और काफी बार सीएमएचओ विभाग के अलग अलग विभागों में भी ऊपर छत से प्लास्टर गिर चुका है। इस बिल्डिंग में कार्यरत सभी कर्मचारी और अधिकारी बिल्डिंग की हालत खराब होने के चलते भय के साए में काम करने को मजबूर है, लेकिन अभी तक इस क्षतिग्रस्त बिल्डिंग की कोई सुध नहीं ली गई है। डिप्टी सीएमएचओ के मीणा ने बताया कि आज जब वह सुबह सीएमएचओ कार्यालय स्थित अपने ऑफिस में पंखा और एसी शुरू कर रहे थे तभी ऊपर लेंटर का प्लास्टर तेज धमाके के साथ नीचे जमीन पर जा गिरा, लेकिन वह स्वयं बाल बाल बच गए, किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग के लिए पूर्व में रहे जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को भी अवगत करवाया था। उसके बाद उन्होंने नगर विकास न्यास से नई बिल्डिंग बनवाने के लिए कहा, जिस पर नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उसमें करीब एक साल का समय लगेगा। ऐसे में बारिश का मौसम है और चूना नीचे गिरने से कर्मचारी व अधिकारी में भय व्याप्त है। पूर्व में भी इस बिल्डिंग में काफी बार लेंटर का प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। पौने 2 बजे के आसपास अंदर आया था। अंदर आते ही मैं कुर्सी पे बैठा, मैंने हमारे से कहा एसी चला दो, उधर एसी चलाने गया, पंखा चल रहा था, जैसे ही वो एसी चालू किया उसके बाद फिर एकदम से थोड़ी मिट्टी गिरने लगी ऊपर से, गिरने के साथ ही पंखा चल रहा था क्योंकि तो मिट्टी जो गिर रही थी उसमें से कंकर जो है उछड़ के मेरे तक आए, लेकिन ऐसी कोई चोट लगी नहीं और उसके बाद फिर धड़ाम से पूरा का पूरा प्लास्टर नहीं किया। कभी आपने इसकी शिकायत भी की? 2 बार हो चुकी है सर। इसके बारे में यही है कि पहले जो पूर्व में कलेक्टर साहब थे जितेंद्र कुमार सोनी जी, उन तक ये शिकायत थी, उन्होंने काफी प्रयास करके और UIT से नए भवन के निर्माण की जो कार्यवाही है उन्हीं के प्रयासों में चल रही है अभी लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। पूर्व में भी कई बार यहाँ गिर चुके हैं सर। मैं बताऊँ आपको, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इसके अलावा सर 11 नंबर, 10 नंबर
और सी में, हाँ दो नंबर। तो ये सारे सारे कमरे ऐसे, सबकी छत लगातार गिरती जा रही है, क्योंकि अगर इसको हम देखें तो इसमें मिट्टी है, मिट्टी के अलावा सीमेंट अब नजर आती नहीं है, तो केवल मिट्टी से लेंटर डाला हुआ है, पूरी बिल्डिंग जर्जर है, बिल्कुल जर्जर है। डॉक्टर के मीणा, डिप्टी CMHO, फैमिली वेलफेयर। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आज सुबह बजाजा बाजार, मालन की गली व झोपड़ी, इटाराना अलवर शहर में नागरिकों से भेंट की और दोनों ही जगह उनकी पानी की समस्याएं जानी। इस दौरान मिश्रा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निवारण के लिए निर्देश दिए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मुकेश मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करें। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलनपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त, अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। RBS स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। RBS स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तिरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा MSc BEd सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। RBS स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए RBS स्कूल का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुराना राजगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम व भारतीय संविधान की जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा प्रधानाचार्य जगमोहन शर्मा ने नव चेतना कौशल औषधि शिक्षा मॉड्यूल के द्वारा जागरूक किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता हरिओम सैनी, शिवशंकर शर्मा, संतोष कुमार मीना, पूजा रानी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, उर्मिला शर्मा, गायत्री शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ एवं SDMC के अध्यक्ष एवं सदस्य मौजूद रहे। माध्यमिक विद्यालय पुराना राजगढ़ अलवर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया, भारतीय संविधान के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को अपने अधिकार और कर्तव्यों से जागरूक करवाया गया। बच्चों को जीवन कौशल के संदर्भ में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर हमारे SDMC के सदस्य व विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड गठन करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन दिया गया। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर अलवर संभाग प्रमुख डॉक्टर श्याम सुंदर पाटोदिया ने बताया कि ज्ञापन में बताया गया है कि 9 मार्च 2018 को राज्य के विधानसभा में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 पारित किया गया एवं 11 अप्रैल को राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात यह राज्य के पत्र में प्रकाशित हो गया। इस एक्ट के अनुसार प्रथम बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। पिछली सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2018 को 1-7 सदस्य बोर्ड का गठन किया गया था, जो कि इस सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया।
श्याम सुंदर ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा गठित 7 सदस्य बोर्ड को यह सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई और सरकार से निवेदन करते हैं कि पिछली सरकार द्वारा गठित बोर्ड को यह सरकार जल्द से जल्द लागू करे, जिससे आम जनता को इस हर्बल चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सके, क्योंकि इस बोर्ड के गठन नहीं होने की वजह से बहुत सारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों को प्रैक्टिस में परेशानी पैदा हो रही है। ज्ञापन के माध्यम से जिले भर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के बोर्ड गठन को स्वीकार करे, अन्यथा प्रदेश भर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक आंदोलन को विवश होंगे। इस अवसर पर डॉक्टर श्याम सुंदर पाटोदिया, अलवर जिला सचिव डॉक्टर राकेश वर्मा, अलवर सह सचिव डॉक्टर लखिंद्र शर्मा, पूर्व सचिव डॉक्टर दुष्यंत यादव, घट प्रमुख डॉक्टर रमेश चंद बलवाड़िया एवं इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद जयपुर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक सदस्य डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर भंवर गुर्जर, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर नरेंद्र कौशिक, डॉक्टर प्रेमचंद, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर राहुल भारद्वाज, डॉक्टर कुलदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। मुंडावर के समीपवर्ती पेहल गांव निवासी युवा पत्रकार टिंकू सेन के जन्मदिन पर मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर में पूर्व उप सरपंच शेर सिंह चौधरी व रणधीर चौधरी ने टिंकू सेन के जन्मदिन पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पत्रकार टिंकू सेन व ग्रामीणों के साथ 11 छायादार पौधे लगाए। वहीं टिंकू सेन को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए पूर्व उप सरपंच शेर सिंह चौधरी ने आह्वान किया है कि जन्मदिन के मौके पर सभी को वातावरण साफ व स्वच्छ रखने के लिए एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पौधा लगाने के बाद उसका ध्यान बच्चों की तरह रखेंगे, तभी वह बड़े हो पाएंगे और वातावरण में रहने वाले जीवों के लिए वरदान साबित होगा। इस दौरान इंद्र कुमार मिश्रा, अशोक मीणा, आशीष यादव, अंकित यादव, पंकज सेन, उपेंद्र यादव, देशराज चौधरी सहित प्रकृति प्रेमी उपस्थित रहे। इधर अलवर न्यूज के मुंडावर संवाददाता टिंकू सेन ने अपने जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में भी मनाया। रक्तदान शिविर का भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय जिंदोली गुरुकुल में आयोजन किया गया, जिसमें 131 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदान शिविर में सानिध्य एवं आशीर्वाद रैनागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज का रहा एवं मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख बलबीर सिंह, महिला प्रदेश अध्यक्ष सेवादल राजस्थान डॉक्टर अंजलि यादव, पीसीसी सचिव ललित यादव, भाजपा नेता इंद्र यादव, पूर्व प्रधान रोहिताज चौधरी, एडवोकेट कप्तान गराठी, अपर लोक अभियोजक रामवतार चौधरी, यशवंत गुप्ता ने शिरकत की। वहीं अतिथियों ने रक्तदाताओं को हेलमेट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने कहा कि जब किसी अपने का जीवन खतरे में हो तब रक्त की महत्ता समझ में आती है। आज हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन को बचाने में सहायक होगा। रक्त के लिए कभी किसी का जीवन समाप्त ना हो, इस बात की जिम्मेदारी हम सब पर है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को जागरूक करें और समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर मौजूद अतिथियों ने कहा कि रक्तदान महादान कहलाता है, क्योंकि हमारा रक्त मुसीबत में किसी के काम आता है और हम एक अनजान से खून का रिश्ता बना लेते हैं। युवा पत्रकार टिंकू सेन ने कहा, आयोजित रक्तदान शिविर युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। शिविर में डॉक्टर विजय सैनी पेहल के नेतृत्व में वाइल्ड लाइफ ब्लड बैंक नीमराना की टीम ने रक्त एकत्रित किया। इस मौके पर आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, आचार्य नवीन शर्मा, आचार्य मनोहर लाल शर्मा, रणधीर सिंह चौधरी, अशोक कुमार मीणा, इंद्र कुमार मिश्रा, आशुतोष शर्मा, विजय सैनी, दिनेश कुमार, धनीराम, अरुण शर्मा, राजेंद्र चौधरी, बंशीला सरपंच, पंतराम मास्टर आदि उपस्थित रहे। राजस्थान संयुक्त नर्सेस संघर्ष समिति जिला अलवर द्वारा प्रदेश व्यापी आह्वान पर नर्सेस की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रातः 10 बजे नर्सिंग अधीक्षक रीटा रोज, प्रधानाचार्य संदीप अवस्थी ने विधिवत रूप से 5 सदस्य राकेश जैन, राजेश गुप्ता, सुखपाल वर्मा, संजय शर्मा, रचना चौधरी को धरने पर बैठाया। संघर्ष समिति सदस्य देवकी नंदन मीना व भगवत सिंह नरूका ने बताया कि धरना सायं 3 बजे तक जारी रहा तथा मांगे नहीं माने जाने तक जारी रहेगा। कल संविदा कार्मिक धरने पर बैठेंगे। जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सेस कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करते हैं, इसलिए सरकार को उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। आज धरने में ओम प्रकाश महिवाल, नरेंद्र कौर, अनिल सुरेला, संजय गर्ग, गौरीशंकर गुप्ता, सुरेश शर्मा, दिनेश चावला, राहुल यादव, अमित जैन, बबीता सोनी, प्रियंका साईवाल, राजकुमार जैन, रोशन सैनी, बनवानी कोचर, शिवराम मीना, दिलीप यादव, नरेंद्र, योगेश यादव, राजेश यादव, विजय यादव, संदीप यादव, अंजू कालरा, मोहित यादव, मुकेश चंद मीना सहित सैकड़ों नर्सेस उपस्थित थे।
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम द्वारा शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर चलाए जा रहे प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत अलवर जिला कलेक्टर पर मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्वेता यादव को ज्ञापन दिया। प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार भारद्वाज ने बताया कि संगठन के मांग पत्र में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देना, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य को संपूर्ण सेवा काल में कुल 4 ASP परिलाभ 7, 14, 21, 28 वर्ष पूर्ण होने पर देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियमित करना, साथ ही विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक, मदरसा शिक्षक, कुक कम हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षक आदि को नियमित करना, राज्य के सभी संवर्ग के शिक्षकों को केंद्र के शिक्षकों के समान सातवां वेतन हूबहू देते हुए समस्त प्रकार की वेतन विसंगतियों को दूर करना एवं खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशों को लागू करना, स्थायी एवं पारदर्शी शिक्षक स्थानांतरण नीति जारी कर लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षकों के शीघ्र स्थानांतरण करना, साथ ही TSP क्षेत्र में नियुक्त नॉन TSP क्षेत्र के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया आरंभ करना, नव नियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा काल 1 वर्ष ही रखने एवं परिवीक्षा काल में नियमित वेतन देना, शिक्षकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एवज में उनके द्वारा नामित पुत्र पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति भांति राज्य सेवा में नियुक्ति देने का प्रावधान लागू करना, विद्यालयों में आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारियों के पद सृजित कर सहायक कर्मचारियों की भर्ती करना, तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों व वरिष्ठ अध्यापकों की विगत वर्षों की बकाया DPS करने, प्रबोधकों को तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के समान पदोन्नति के अवसर प्रदान कर वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदस्थापित करने, शिक्षकों को BLO सहित समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतः मुक्त रखने के लिए किसी विशेष योजना की घोषणा करना, शिक्षकों की ऑनलाइन निर्भरता को देखते हुए प्रतिमाह 1000 इंटरनेट व एंड्रॉइड फोन भत्ता देने, 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों के DPF खाते खोलकर अब तक की NPS में जमा राशि को DPF खातों में जमा करने, PEEO व UCEO के अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए उन्हें मूल वेतन का 10% मानदेय हाई ड्यूटी अलाउंस के रूप में दिया जाना सहित अन्य शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक मांगे शामिल है। प्रदेश संरक्षक राजेंद्र शर्मा, प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य देवेंद्र धार, जिला अध्यक्ष अलवर द्वितीय सुनील शर्मा, जिला अध्यक्ष अलवर प्रथम चरण सिंह यादव, जिला कार्यकारी अध्यक्ष चेतराम सिरोलिया, जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम मीणा, जिला मंत्री मनोज यादव, जिला कार्य समिति सदस्य जितेश मीणा, उप शाखा तिजारा मंत्री गोपीराम यादव, जिला कार्य समिति सदस्य मोहिनी शर्मा, पूनम यादव, संजय, विष्णु शर्मा, तेजपाल गोस्वामी, नीरज मीणा, राजेश यादव, राजू तनेजा सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की प्रांतीय स्थायी समिति की और कार्य समिति की बैठक जयपुर में हुई थी। उस बैठक में विभिन्न चरणों में हमारा जो मांग पत्र है 27 सूत्री, उसको लेके विभिन्न चरणों के आंदोलन की घोषणा की गई थी। आज आंदोलन के तीसरे चरण में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम जिला शाखा अलवर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। 27 सूत्री मांग पत्र है हमारा, जिसमें मुख्य मांगे हमारी हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो स्थानांतरण है वो कई वर्षों से लंबित है। बार बार सरकार से मांग करने के बाद भी न कोई नीति बनाई गई है और न ही उनके स्थानांतरण किए जा रहे हैं। दूसरा, हमारी जो 7वें वेतन आयोग की जो विसंगति है, उन विसंगतियों को सुधार कर और जो खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू किया जाए। तीसरा, जो विद्यालयों में जो हमारा शैक्षणिक स्टाफ है, उन शैक्षणिक स्टाफों से अशैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे हैं, उन अशैक्षणिक कार्यों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। और जो मूल उद्देश्य शिक्षकों का है शिक्षा, उस शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ ये सरकार कर रही है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। उसी के साथ जो हमारी और जो मांगे हैं, मुख्यतः जो मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे कर्मचारी कार्यरत हैं उनको 10% अतिरिक्त वेतन दिया जाए, और इस सरकार के अंदर जो PO और जो UCO के जो पद निर्धारित किए गए हैं उनसे विभिन्न तरह के कार्य करवाए जा रहे हैं, तो उनको अलग से भत्ता दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे।
राज्य वन जीव मंडल की स्टैंडिंग कमेटी में सिमरत कौर संधु सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यपाल के आदेश पर ओएसडी मोनाली सेन ने कमेटी का पुनर्गठन किया है। कमेटी में वन एवं पर्यावरण मंत्री चेयरमैन होंगे। यह कमेटी पर्यावरण और विकास में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में कार्य करेगी। साथ ही विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं के लिए वन भूमि स्थानांतरण समेत अन्य प्रस्तावों पर मंथन कर इन्हें अनुमोदन के लिए वन्य जीव बोर्ड को भेजेगी। सिमरत कौर संधू पूर्व गृह मंत्री संपत राम की पुत्रवधू हैं। भाजपा मंडल बगड़ तिराया की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत ग्राम भटेसरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे विरोध धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें वर्तमान कांग्रेस की राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बिजली सरचार्ज बढ़ोतरी, बेखौफ की जा रही हत्या, लूट सहित दिन पर दिन बढ़ रहे अपराध की घटनाओं सहित किसानों के कर्ज 4.5 साल में माफ नहीं होने आदि का आरोप लगाते हुए विरोध जताया गया। इस अवसर पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ भाजपा के इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को जोड़ने पर चर्चा हुई। इस दौरान जिला पार्षद गगनदीप सिंह, बगड़ तिराया मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा बगड़ तिराया रविंद्र सिंह, जय सिंह जाटव, कुलवंत जाटव आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी के अलवर बाईपास पर स्थित एवलॉन गार्डन पार्क में 18 जुलाई से 24 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार 18 जुलाई को प्रातः 8 बजे धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। वहीं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद पंडित राहुल कृष्ण महाराज के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को भक्तों को रसपान करवाएंगे। साय आरती के बाद भक्तों के प्रसाद वितरण किया जाएगा। इधर 25 जुलाई मंगलवार को प्रातः 8 बजे से हवन में पूर्णाहुति कर दोपहर 12 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह जानकारी राजेश सारस्वत ने दी। उनके साथ संजीव शर्मा, विनोद शर्मा, रवि प्रकाश व कमल दायमा आदि उपस्थित थे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।